नमस्कार। आज के योगासन क्लास में जिस योगा से हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे वो है उत्थित लोलासन। टांगों को चौड़ा करके खड़े हों, पूरक करते हुए हाथ को सिर से ऊपर उठाइए और कलाइयों को ढीला कर दें जिससे हाथों के पंजे आगे की ओर झुक जाएं। रेचक करते हुए धड़ और बाजुओं को आगे की ओर झुकाएं। सामान्य सांस के साथ धड़ और बाजुओं को कुछ क्षण के लिए आराम मुद्रा में लटकने दें। पूरक करते हुए ऊपर भाग और बाजुओं को समस्तर पर ले आएं। रेचक करते हुए धड़ और बाजुओं को पैरों के बीच में झुलाएं। धड़ और बाजुओं को उठाने और झुलाने की क्रियाओं को सांस के साथ समन्वय करते हुए 10 बार दोहराएं। सामान्य सांस लेते हुए धड़ और बाजुओं को कुछ समय तक लटकने दें। पूरक करते हुए आहिस्ता आहिस्ता सीधे हो जाएं और बाजुओं को ऊपर की ओर खींचें। हाथ आगे के ओर ढीले करके नीचे करें। रेचक करते हुए पहले के स्थिति में आ जाएं। ये आसन पूरे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है, सांस को गहरा करता है और रक्त संचार को प्रेरित करता है। ये पीठ और कूल्हों के लचीलेपन को भी बढ़ाता है। अब हम अपना दूसरा आसन करेंगे। इसके लिए पैरों को चौड़ा कर खड़े रहें, पंजे बाहर की ओर रहेंगे, शरीर के सामने उंगलियों को पकड़ के जकड़ लें, गहरी सांस लें। रेचक करते हुए घुटनों को पार्श्व में पंजे के ऊपर मोड़ें, ऊपरी शरीर सीधा रखें। पूरक करते हुए पीठ को सीधी रखते हुए सीधे तन कर खड़े हो जाएं। इसे 3 चरणों में किया जाता है। सर्वप्रथम उकड़ू स्थिति में हाथ जांघों के स्तर तक पहुंचने चाहिए, दूसरे चरण में घुटनों के स्तर तक और तीसरे में पिंडलियों के स्तर तक। उकड़ू बैठने की गति के समय शरीर का रुंड सदैव तना हुआ रहना चाहिए। ये आसन महिलाओं के लिए शिशु जन्म से पूर्व विशेष रूप से अच्छा होता है। अनियमित मासिक धर्म या मासिक धर्म के समस्याओं में लाभदायक होता है। टांगों और किडनी के श्रोणी सतह के मांसपेशियों को फैलाता और मजबूत करता है। अब बारी है आज की आखिरी और तीसरे योग की। इसके लिए जहां भी जैसी भी स्थिति में हों बैठ जाएं या खड़े रहें। खुद को स्थिर करते हुए पूरी तरह से आंख बंद करके सिर्फ 1 मिनट का झपकी ध्यान करें। इसमें सांसों के आवागमन को तल्लीनता से महसूस करें। 8 घंटे की नींद से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है 1 घंटे का ये झपकी ध्यान, जो मस्तिष्क की सक्रियता बढ़ाता है और व्यक्ति को हमेशा तरोताज़ा रखता है। इससे मानसिक तनाव घटता है और आँखों को आराम मिलता है। इससे सांस संतुलित बनती है और हृदय तथा फेफड़ों में पुनः जागृति आती है। योगासन के 22वें क्लास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे 23वें क्लास में कुछ नए योगासन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बोल्ड स्काई और हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।